प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो ये देखें ये जो गंदम है ना, तो ये ना ये काटी जा रही है, आप देख सकते हैं ये मशीन जो है ना ये गंदम को काट रही है। तो ये जो है ना हमारी जो गंदम है ना वो तो थोड़ी सी है, तो ये जो है ना जो अमीर लोग हैं ना मतलब के जिनके पास थोड़ी सी ज़्यादा फुर्सत है ये उन्होंने तो बड़ी मशीन लगवाई है, लेकिन हम जो है ना अपनी गंदम जो है ना हम अपने जैसे कि दातरी के साथ खुद ही काटेंगे। काश हमारे पास भी इतनी ज़्यादा ज़मीन होती जो इनके पास है, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह पाक ज़रूर देगा, तो हम भी बहुत सारी ज़मीन लेंगे ना। तो वैसे मैं खुद ही गंदम काटा करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है, हम गंदम काटने का काटते हैं। आप ये गंदम की कटाई भी करती हूँ तो बात भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और जो हमारी गांव की जिंदगी होती है ना, तो ये मशीन जो है ना ये गंदम काट के ना तो इनके नीचे ना बाले गिरती हैं, तो वो भी हम चुनते हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपने ना वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक देखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गंदम काटने के लिए आई हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है ना गंदम काटी है अमी ने और मैंने और सिस्टर ने साथ मिल के, तो ये ना बहुत सारी खड़ी हुई है ये ना। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, रोजा भी है, लेकिन सुबह से आए हैं ना, सुबह से ये गंदम काट रहे हैं। गर्मी धूप बहुत ज्यादा है, धूप जो है ना, तो आपने ना ये गला भी सूख गया है क्योंकि रोजा है, तो आपने ना दुआ करनी है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए क्योंकि तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है गर्मी की वजह से ना। तो ये जो दिल भी घबरा रहा है और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, बस थोड़ी सी और काट के ना फिर चलती हूँ। बस इतनी सी खड़ी हुई है ये, बराबर काट देती हूँ यहाँ पे ना, बराबर काट के ना फिर, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत ज्यादा घबरा रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो और तो नहीं काटी जाएगी। तो अब तो बस करती हूँ, कल काटूंगी या फिर शाम को देखूंगी, अगर तबीयत सही होगी तो काट लूंगी, वरना तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आंटी से पूछी ना मैंने, आंटी क्या ठीक है गुड़िया, टाइम है ना, टाइम है ना, पानी चावा आंटी आप ही हो क्या ठीक है, रोजा ही गर्मी बलाएं दे। तो ये देखिए भी बस गंदम जो है ना वो अच्छी तरह से सारे मैदान खाली हो गए हैं और मशीन जो है ना वो भी चली गई है, अब बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं ये गट्टू मतलब ये थैले, तो हम ना इसमें ना बालियां चुनेंगे, तो चलते हैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम ना बालियां कैसे चुनते हैं। तो ये देखिए ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये ना बकरियां भी लेकर आए थे और गंदम जो है ना गंदम के बालियां वो भी चुनने के लिए आए थे, धूप बहुत ज्यादा है ना तो इसलिए इनको ना मैंने पानी भी दिया है और जो है ना ये अब ना छांव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी ये ना चलते हैं इनके पास, इनसे पूछते हैं कि आप क्या करने आए थे। वैसे मैंने आपको बताया तो दिया, फिर भी इनसे पूछ लेते हैं। ये देखिए बच्चे जो है ना मुझे देख के हंस रहे हैं, पता नहीं मोबाइल को देख के हंस रहे हैं कैमरे को, अपने मोबाइल देखे हुए, मुझे नहीं देखा हुआ ये? तो अब जो है ना बच्चों से गपशप लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ ये क्या करने आए थे, अब क्या करने आए थे, गंदम कितनी सी चुनी है, इतनी सी, अब सुबह से आए हो, अब आए हो। अच्छा ये देखे एक बच्चे ने ना ये अपने नीचे रखी हुई है, तो आप दोनों ने नहीं चुनी, आपने भी चुनी है। अच्छा पूछो इनसे ये बेचते हैं गंदम, गंदम बेचते हैं बेटा, ऐसे बेच दोगे जैसे है या निकाल के, तो फिर लकड़ी उठा के आके दूं इसको, मारो इसके पासे में गंदम निकालो और बेचो, हैं एक पासे और जो कचरा है ना वो एक पासे। ये देखें विवास ये लाइन लग गई है, गट्टू उठा के ना सब ऐठो में फेर रहे हैं गंदम उठाने के लिए। बच्चों को देखा है, वैसे तो चुनती हूँ लेकिन बच्चों को देखा है ना मेरा भी मन हो गया, मैंने सोचा है कि अपने विवास से शेयर कर ले। तो अब जो है ना चलते हैं, मैं ना बच्चों से पूछने के लिए ना खाल में चली गई थी, जो करे पानी नहीं है वरना मैं तो साथ ही चली जाती पानी के साथ साथ। ये देखिए हमारी टीम भी तैयार है यार, ये गट्टू तोड़े उठा के ना, ये इन दिनों में जब मशीनें गंदम निकाल के चले जाते हैं ना तो फिर मैदान खाली होते हैं, इनमें बालियां पड़ी होती हैं तो ये उठाते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं ना बालियां चुनने के लिए आई थी ना, पहले हमला हो गया था इन आंटियों ने ना, पहले जब सुबह सुबह मैं तो अभी घर थी ना, तो इसलिए ये ना पहले पहले आके ना
इन्होंने ये देखे ये जो जिथल है ना फुल भर दिया। वैसे मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें भी साथ में लेके आइए वीडियो में। तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब भी हैं और ये आप देख रहे हैं इतनी धूप में ना इनका घर बहुत ज्यादा दूर है, हमारा घर तो बिल्कुल साथ ही है। तो धूप में ये रोज ही ऐसा करती हैं, मतलब कि हर साल जब गंदम आती है ना तो ये बालियां इकट्ठी करके ना इनके मियाँ दोनों के मतलब के मियाँ नहीं है, फोत हो चुके हैं, तो ये दोनों ही बेवा है और इनके ना छोटे छोटे बच्चे हैं। इनसे पूछ लेती हूँ आपके कितने बच्चे हैं। तो उधर से जो आती हैं तो ये जहाँ जहाँ भी जो मशीन जो गंदम काट के चले जाते हैं तो बाल गिरी होती हैं, तो वहाँ से ये बालें इकट्ठी करती हैं, तो अपने घर के गुजारे के लिए फिर उनको फूट के गंदम बेचती हैं और फिर जो है गंदम बेच के घर का गुजर बसर करती हैं, राशन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये गरीब लोग बेचारे ऐसे ही करते हैं। तो ये इधर गंदम चुन रहे थे तो हमारे बच्चे भी देखें ये साथ आए हैं गंदम चुनने के लिए, तो ये इधर गंदम में थी तो हमने सोचा कि इनका जो है दुख आपके साथ हम शेयर कर लें। जो शायद अगर कोई रहम दिल या कोई मुखय्यर हजरात हमारी वीडियो देख ले तो शायद अगर कोई इन बेचारों की हेल्प करना चाहे तो वो इनकी हेल्प जरूर कर सकता है। तो बाकी पूछते हैं इनसे। जी आपके कितने बच्चे हैं? उस आंटी के ना चार बच्चे हैं और इस आंटी चार कैसे 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 बता दो ना आपके घर में जो जैसे आप मामलात हैं बता दो। दो बेटे दो बेटियां। अच्छा एक खाला से पूछो फिर। अच्छा एक बेटी और एक बेटा, दो बच्चे। तो कितने कितने हैं, बड़े हैं ये छोटे छोटे? छोटे छोटे हैं, मकसद इतने से हैं जो ये हैं ये बच्चे। तो हाँ। ये देखे बहुत छोटे छोटे बच्चों को घर में बिठा के ना ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिर्फ ये धूप में ना ये बाले चुनने के लिए आई हैं। हाँ, कितनी सख्त धूप है तो हाँ इनके पास। ये कह रही है खाला, ये कह रही है की हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं की हम उनको स्कूल पढ़ा सके, तो मदरसे में पढ़ाती है हम बच्चों को। तो मदरसे में ना हमारे इलाके में सिस्टम होता है कि वहाँ उस्ताद जो है फीस नहीं देते तो मुफ्त में पढ़ जाते हैं। तो जब मदरसे में तो पढ़ेंगे, स्कूल नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको उर्दू वगैरह या इंग्लिश ये कैसे समझ सकेंगे, ये मुआशरे के साथ वो बच्चे कैसे चल सकेंगे। तो आप सब जो है भाई इनके लिए दुआ भी करें, अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो इनकी हेल्प ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे देंगे, अगर कोई अल्लाह का वली अल्लाह का बंदा अगर इनकी हेल्प करना चाहे तो वो इनकी हेल्प भी जरूर कर सकता है। तो अब जो है ना बाले शुरू करते हैं। तो ये बच्ची भी इसने भी जिद की थी कि मैंने भी ईद के कपड़े लेने हैं, मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है तो मैं ईद के कपड़े जी मैंने ना चाचू को बोला कि आप लेके दो, लेकिन चाचू ने बोला ठीक है ले दूंगा, लेकिन नहीं मैंने बोला कि नहीं मैं खुद ही ये जो बालियां है ना ये साथ आंटी भी चुन रही है इनके साथ ही शुरू हो जाती हूँ, मैं अपने ईद के कपड़े तो बना लूंगी ना। हाँ ये इधर मशीन चल गई है ना कल से, तो यहाँ बालियां जो है बहुत गिरी पड़ी हैं, तो वो उठाते हैं और आपके साथ वो भी शेयर करते हैं कैसे बालियां उठा के फिर कैसे गंदम निकाल के फिर कैसे बेचते हैं, वो सब आपके साथ जो है हम शेयर करते हैं। चलो ठीक है खाला, चुनो आप गंदम, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई आपकी आवाज़ जरूर सुनेगा इंशाल्लाह। तो उस रेट में गए थे ना तो वहाँ उस रेट में ना एक तो मशीन बहुत ज्यादा कंजूस थी क्योंकि एक भी बाली उसने नहीं छोड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे ये बहुत सारे बाली है, इधर दो मुझे दो मुझे दो, ये जो ये तो ना मैंने चुनी है ये देखे ये बस थोड़ी सी है, दो तीन ही होंगी ये देखे। तो अब ना इस ऐठे में आई हूँ, वहाँ पे वैसे धूप भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मुझे रोजा है ना, रोजे के साथ ना मैं अपने कपड़ों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना छांव भी है ये देखिए ये दरख्त की, तो मैंने सोचा है कि बच्चों को भी यहाँ पे ले जाऊँ और यहाँ से अपने कपड़ों के लिए ना यहाँ पे मेहनत करूँ। तो इंशाल्लाह ये जो मेरा थैला है ना आपने दुआ करना है कि ये ना पूरा इधर तक भर जाए तो फिर मैं जो है ना कपड़े ले पाऊंगी, वरना ऐसे खड़ी रह जाऊंगी। तो ये देखे बाली मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे ये बहुत सारे बालियां पड़ी हुई है, तो ये ना हम ऐसे एक एक बाली उठा के ना इनको चुनके इकट्ठा करके ना फिर इसे ना ये मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे साफ कैसे करते हैं, हम दाने इनमें से कैसे निकालते हैं। आप भी चुनो ना, क्या कर रहे हो, जल्दी करो फिर हम ये सारे चुन के ना चले। ये देखे ये बकरे जो है ना ये बकरे चुगाने के वाला आया हुआ था, है तो छोटा सा बच्चा लेकिन वो वीडियो में नहीं आना चाहता, तो मैंने सोचा कि ये मैं भी सीख लूँ ये वाला काम क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है बकरे लेने का, तो इंशाल्लाह मैं भी जरूर बकरे लूंगी, लेकिन आज ना मैं इनको ये तो ये ना गंदम ये देखे ये गंदम में जा रही है, ये दाने खा के कहीं मर ना जाए, बाहर निकला बकरे सुन रही है पता नहीं। हाँ जी
बिल्कुल।